प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस अवसर पर पहले चरण में चयनित 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। वही विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे नवीन आविष्कारों, उद्यमी किसानों और उत्पादन से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है।